बारात तो पहुंच गई थी, हो गया था थोड़ा लेट, लेकिन फिर जल्दी जल्दी से कराया गया। भाभी के घर जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो सबने सबने क्या, भाई जी और एक विजय भैया हैं बुआ जी के लड़के, तो यही दोनों लोग ज़्यादा डांस करते हैं। और इस टाइम और भी लोग हैं जो वो भी कर रहे थे। और डांस करते हुए एंजॉय करते हुए पहुंच गए हैं भाभी के घर पे। और इस टाइम जब कू सोने चली थी तो अपने मामा जी की गोद में सो रही थी, तो मैंने कहा मनीष के ऊपर है तो लाओ मैं ले लेती हूँ। तो जब मैंने उसको अपनी गोद में लिया ना, तो उसकी नींद उचट गई, वो सोई नहीं, तो फुल डे वो सो नहीं पाई, इस वजह से इस टाइम वो सोने लगी थी तो परेशान कर रही थी। संदर्भ और कू दोनों ही सो गए थे। लास्ट में जब जयमाल वाली रस्म हुई थी तो सबसे लास्ट में उठी थी, संदर्भ तो खैर जैसे ही लिटाया गया वैसे ही जग गए थे, पर कू थोड़ी देर सोती रही और जग गई।
और जयमाला हो गया है, और ये जो आड़ी तीछी कुछ टीढ़ी मेढ़ी सी वीडियो क्लिप बनी हुई है, ये मेरी वजह से नहीं, दीदी की बेटी ने बनाई हुई है। उसको मैंने बोला था कि चौड़ाई में बनाना, तो एडिट के टाइम मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से आएगी, पर अब डेली तो यूज करती नहीं, मुझे पता है। तो उसने जैसा भी करके दिया ना, बहुत अच्छा दिया। और डांस के टाइम तो अंश ने ले रखा था, भतीजे ने, तो उसने भी जैसा पाया वैसा बनाया है। तो लेकिन खैर, दोनों ही छोटे थे, दोनों ने अच्छे से जो उनसे बन सका उन्होंने बनाया। मैं तो लहंगा पहन के इधर उधर आ जा के सब जगह नहीं बना सक पा रही थी, और कुहू भी सो चुकी थी तो चिड़चिड़ा रही थी। तो उनके साथ सारी वीडियो कैप्चर करना मेरे लिए आसान नहीं होता। खैर, उसने किया, जो भी करी है, वीडियो क्लिप बनाई है, अच्छी है। बस एडिट के टाइम मुझे प्रॉब्लम हुई है, और कभी थोड़ा इस साइड हो जा रहा है।